ठीक नहीं होता है। कान भरने वाले ने भर दिया और धन्य श्री जटायु हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर उल्टे पड़े हैं और पता है क्या बोले, बोले भैया ठीक हुआ जो हमारे पंखा कट गए, धन्यवाद। व्यक्ति चौंक गया, पागल हो मती मारी गई क्या, बुद्धि ठीक है, दिमाग सनक गया क्या, हमें लगता है ज्यादा दर्द के कारण दिमाग अभ्रंश हो गया, दिमाग दिमाग ही पागल हो गया। ना 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 हम ठीक है, ठीक हुआ जो भगवान ने पंखा काट दिया। क्यों? जटायु जी बोले हाथ जोड़कर भैया अगर पंख होते तो हमें चलकर राम जी के पास जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम जी को चलकर माई बात याद रखना, अगर हम साधन में रहेंगे तो साधन में रहेंगे तो हमको चलकर राम जी के पास जाना पड़ेगा, अगर हमारे पास साधन होंगे और साधन नहीं होंगे साधना होगी तो तुम्हें भगवती के पास जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं तुम्हारा वाली वैष्णो माता उतर करके तुम्हारे पास आ जाएगी। इसलिए मेरे पागलो हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, तुम्हारे पास वाहन है, गाड़ी है, घोड़ा है, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, माई बाप भगवान करे और बड़े बनो, पर साधन से संपन्न होना बड़ी बात नहीं है, साधना से संपन्न होना बहुत बड़ी बात है। और आपके पास अगर साधना नहीं, भगवान नाम जप नहीं, गुरु के प्रति अनुराग नहीं, माँ के प्रति प्रेम नहीं, ममत्व नहीं, माँ के प्रति समर्पण नहीं, तुम्हारा पूरा साधन तो कौड़ी का है, किसी काम का नहीं, क्योंकि जेब में पैसा नहीं जाता, जेब में भैया मरते समय धन नहीं जाता, मरने के बाद तो निधन लिखता है, साथ में तो केवल भगवान का नाम जाता है। जटायु जी आंखों में आंसू भर के अब भगवान को आना पड़ेगा। और मेरे पागलो हमारा मानना है परमात्मा का अवतार इसीलिए होता है कि जो भक्त साधक महात्मा अमलात्मा विमलात्मा हम तक नहीं पहुंच पाते, उन भक्तों के कल्याण करने के लिए दर्शन देने के लिए हम स्वयं पहुंच जाते हैं, ऐसा राम जी कहते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत दसम स्कंध में कथितो वंश विस्तारो भवतो सो